इधर आ जाइए आंटी जी। कितना देर है? बोला रहे उमेश, क्या बुलावा थे उमेश जी? आके यही दुकान से पकड़ाया, यही है ना? चलो चलो अंदर। और चलाना पड़ेगा ठीक है। अरे ये काट ले भाई, नहीं देखिए तो मजेगा पापा के, और लोगों को बुला लिया है बच्चा, हम लोग फोन के लिए मिले है ना। हमें तो फोन किए थे, देखा है उमेश जी हमको फोन किए थे, किए थे। ऊपर से लेंगे किस प्रकार का आज कार्रवाई हुई है, कितने सिलेंडर कहाँ? देखिए जानकारी मिल रही थी कि बड़े सिलेंडर से जो एलपीजी सिलेंडर होता है घरेलू, उसे छोटे सिलेंडरों में रिफिल करने का कार्य बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। और ये सघन बस्ती है और वाराणसी का मुख्य स्थान है यूपी कॉलेज के गेट के सामने, तो उसी के अंतर्गत यहाँ पर आया गया तो देखा गया कि बोर्ड लगा करके बाकायदे दीपक चूल्हा सेंटर ऐसे करके कई नामों से एक ही परिवार के तीन चार लोग अलग अलग नामों पर काम कर रहे थे। और पूछने पर उन्होंने बताया कि हम केवल जो है गैस की सफाई करते हैं, गैस चूल्हे की सफाई करते हैं और कोई बनाने वगैरह का कार्रवाई करते हैं, लेकिन चूंकि गैस का इसमें ला रहा था इससे पता चला कि भाई यहाँ पे संभावना है कि रिफ़िल भी किया जा रहा हो। फिर जांच करने पर, सघनता जांच करने पर रिफ़िल यंत्र भी प्राप्त हुआ। और इसके अलावा इस मकान में दो तीन तल थे, अलग अलग कमरों को चेक किया गया तो उसमें से कई कमरों में किसी में 8 सिलेंडर, किसी में 6 सिलेंडर, किसी में 10 सिलेंडर इस तरह से बरामद हुए और कुल मिलाकर के 30 एलपीजी घरेलू सिलेंडर जो भरे हुए हैं वो बरामद हुए। एक कमर्शियल बड़ा सिलेंडर बरामद हुआ। इसके अलावा छोटे सिलेंडर जो अमानक प्रकृति के हैं, जिनको नॉन स्टैंडर्ड कहा जा सकता है, जिस पे ISI मार्का नहीं है या गैस एजेंसियां जिसे रिलीज नहीं करती हैं, वो भी बड़ी मात्रा में जो है यहाँ बरामद हुए हैं, तो सबको जब्त करके आगे विधिक कार्रवाई इसमें कराई जाएगी। जो सिलेंडर बड़े वाले जो सिलेंडर हैं किसी एजेंसी के हैं या किसी के? अभी तो इनसे पूछताछ चल रहा है, प्रथम दृष्टया पूछताछ में इनके द्वारा ये बताया गया कि विभिन्न गैस एजेंसियों के जो हाकर जाते हैं लेकर के अपनी गाड़ी, उनसे हम 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर ऐसे करके कलेक्ट कर लेते हैं और हमारे जो घर के पासबुक हैं वो भी वो ले लेते हैं और उसके बाद में उनसे हम उसके बदले ले लेते हैं और फिर इसको रिफ़िल भी करते हैं। अगल बगल किसी को अगर तत्काल ज़रूरत है तो उसे हम अधिक रेट पर ब्लैक रेट पे बेचते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं। कितने सिलेंडर बरामद हुए? अभी 30 सिलेंडर LPG घरेलू और 1 सिलेंडर जो है कमर्शियल बरामद हुआ है। इसके अलावा अभी भी जो है जाँच 1-2 कमरे की बाकी है, उसमें भी देखा जा रहा है। किसी को एक या दो सिलेंडर इशू होते हैं और यहाँ इतने बड़े मात्रा में सिलेंडर, तो आगे क्या एजेंसी को लेकर भी कार्रवाई? निश्चित रूप से आपको मैं ज्ञात कराना चाहूँगा कि पिछले 3 महीने के अंदर 2 गैस एजेंसियों पर FIR हुआ था और आगे भी जो है अगर एजेंसी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा कि वो अधिक लाभ कमाने के लिए डायरेक्ट ब्लैक यहाँ उतार रहे होंगे तो उनको भी इसके जद में रखा जाएगा, कार्रवाई कराई जाएगी।